हाय दिस इज अनामिका खान, वेलकम टू मेट्रो टीवी। अब बारी है बॉलीवुड के उन खबरों की जिसे जानने के लिए आप रहते हैं एक्साइटेड। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद इट। हाउसफुल 3 ने सिल्वर स्क्रीन पर दे दी है दस्तक और फिल्म की पूरी स्टार कास्ट को किया गया स्पॉट, वो भी फिल्म के लिए रखी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। हाउसफुल 3 ने सिनेमा घरों पर दे दी है दस्तक, जिसके प्रमोशन के लिए फिल्म स्टार्स काफी दिनों से थे बिजी। अब फिल्म की रिलीज से उन्हें कुछ दिनों के लिए मिलेगा आराम। फिल्म के स्टार कास्ट हाल ही में फिल्म रिलीज के पहले कॉन्फ्रेंस पर नजर आए, जहां पर अक्षय, जैकलिन, अभिषेक और चंकी पांडे शामिल थे। देखिए इन स्टार्स की मस्ती। ये स्टार्स अपने फैंस के साथ कभी सेल्फी अंदाज में नजर आए तो कभी डांस के मूड में, और तो और अक्षय इस पूरे प्रमोशन के वक्त हमेशा की तरह जोशीले अंदाज में नजर आए। देखिए कैसे अपने फैन से गले लगने खुद उनके पास गए तो कभी फैन के साथ ट्रिप करते दिखे। But I am like sir, you know. Thank you very much. अभी मैं आपको चलते चलते सिखाऊंगा कि वॉक करते करते कैसे गिरना है. Okay, okay. Okay. उठाया भी नहीं यार, कैसे फैन हो तुम? और कभी अपने फैंस को नसीहत भी देते दिखे कि अगर कोई इस फिल्म से कुछ सीख लेने के लिए आता है तो इस फिल्म से उन्हें कुछ सीख नहीं मिलने वाली। Just keep on watching it, and so that we can keep on making some films which you guys enjoy. And this film, what you're going to watch it, is just comedy. Remember it. इसमें कोई सीखने नहीं मिलेगी आपको. ये मत सोच के आना कि मैं कुछ बहुत सीखूंगा इस फिल्म से. But ये just comedy. It's fun and it's 2 hours 8 minutes. Just nothing else but fun. That's it. साथ ही फिल्म को लेकर कहते भी दिखे। से इस फिल्म के अंदर हमने सिवाय मस्ती के कुछ नहीं किया। ये एक ऐसी फिल्म है, मैं कह सकता हूँ कि हाँ पिक्चर भी बनाई लेकिन मस्ती कितनी की है। बहुत मजा आया एक्सपीरियंस के अंदर। वैसे हमेशा अपने काम के अंदर ये इतनी मस्ती रखनी चाहिए ताकि हम अपने काम को पैशन रखें, उसमें बहुत कुछ सीखने मिलता है, क्योंकि हमें अपने काम से बोर नहीं होना चाहिए। तो इसी हिसाब से हमने जो भी ये फिल्म बनाई है, और मैं जितनी भी फिल्में करता हूँ, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि उसको अंदर एक ऐसा फैक्टर रहे कि हम अपने काम से बोर ना हो। यहाँ पर आखिरी पास्ता यानी चंकी पांडे अपने फिल्मी नाम से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। Only for you? Yes, come on, Chunky. Mamma mia, I'm joking. सुनिए क्या कहा अपने कैरेक्टर को लेकर। For the first time in 3 films, I had the same name, Akhri Pasta. Mera character kabhi badla nahi. It's just gone better and better all the time. And I think... Batuk Patel badal gaya? Batuk Patel bhi Batuk Patel hi hai. Haan, correct. But first, I think Akshay's got a lot of contribution to it with a lot of dialogues which we improvised on the set and made. And I think in every Houseful, we just keep making most dialogues on the set. I think it's been a lot of fun. I hope we make Houseful 50 also one day. Wink girl Jacqueline Fernandez ne yaha Houseful 2 ko 3 se differentiate kiya. Boys are completely different, first of all. There are a lot of the same characters that you will be seeing in Houseful 3, actor-wise, but we're all playing very different characters. And in terms of the story, it's a completely different story. But be rest assured that I can probably guarantee you'll laugh a lot more in Houseful 3. Okay. Yeah. Anyways, फिल्म के प्रमोशन पर इतनी मस्ती, इतना जोश, विश फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट जाए। स्टार रणदीप हुडा और काजोल अग्रवाल की अपकमिंग फिल्म दो लफ्जों की कहानी का ट्रेलर हाल में हुआ रिलीज, जिसके लॉन्च पर फिल्म की पूरी स्टार कास्ट आई नजर। जल्द ही फिल्म दो लफ्जों की कहानी सिल्वर स्क्रीन पर देगी दस्तक, लेकिन उससे पहले फिल्म के ट्रेलर ने ली जगह। जी हाँ, फिल्म के ट्रेलर को कर दिया गया है आउट, और जिसके लॉन्च पर फिल्म की पूरी स्टार कास्ट रही मौजूद। देखिए क्या कहा फिल्म के बारे में रणदीप हुड्डा ने। पहली बोनाफाइड कमर्शियल लव स्टोरी है। अब तक मैं या तो लड़की छोटी या बहुत बड़ी या बहन या कुछ इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पहली बोनाफाइड कमर्शियल लव स्टोरी है, और मैंने कभी
अपने करियर में किसी को घुसा नहीं मारा था फिल्म में, वैसे तो काफी हो जाता है हमारा नहीं फिल्म में नहीं मारा था, तो मेरी दीपक तिजोरी ने मेरी सारी भड़ास एक ही पिक्चर में सब निकाल दी. सो इट्स वेरी स्पेशल एंड ऑफ कोर्स वी गॉट ब्यूटीफुल काजल अग्रवाल इन द फिल्म. इट्स अ वेरी यूनिक फिल्म. इट्स अबाउट टू पीपल हु आर लोनली सोल्स इन अ फॉरेन सिटी and how they meet and what happens. One is handicapped by his head and heart, the other is handicapped by her eyes, and these two broken people come together and what happens to them is the story of the film. They meet by fate, but there is a bigger fate which they are not aware of, which is playing games with them, and that is the story which often happens in love. I think love and fate are very related. यहाँ काजल ने बताया कि फिल्म में वो गिर चुकी हैं, बट किस पर? मैं पिक्चर में सिर्फ एक बार गिरी हूँ, और वो भी जान पूछ के. ओह, रणदीप ऊपर ना? नहीं, इनके ऊपर नहीं. कुछ सामान था उधर, एंड आई हैड टू ट्रिप अगेंस्ट इट. जब आप पिक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा. भाई, इस बात के साथ साथ मैडम ने रणदीप के बारे में भी कुछ बताया. मुझे लगता है कि रणदीप, ऑन वेरी ऑनेस्ट नोट, he has this whole image of being a very tough, very headstrong, very difficult person, but he's actually not that difficult. I mean, he is like a coconut. I would like to describe him like that. And his heart is really soft and he's very emotional. So I guess that's what it is about. देखिए क्या कहा फिल्म के डायरेक्टर दीपक तिजोरी ने. ये ऑब्वियसली मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ कि शूटिंग करते वक्त मुझे हमेशा ही भट्ट साहब की याद रही, और उनके साथ में इतनी फिल्में मैंने की हैं. सो डेफिनेटली देर वर लॉट ऑफ मोमेंट्स दैट आई हैव रिकलेक्टेड वाइल वी वर शूटिंग दिस एंटायर फिल्म, आई वुड से, बिकॉज मोस्ट ऑफ इट इज़ लव स्टोरी एंड इट हैज़ बीन अ लवली एक्सपीरियंस. इस फिल्म को बनाने का आइडिया कहाँ से मिला दीपक जी को? हम लोगों ने राइट्स ली कोरियन फिल्म्स की. okay. और गिरीश जमीरा जी हैं, उन्होंने वो फिल्म दिखाई थी मुझे, तो एक्चुअली इन्होंने अडेप्ट किया, काफ़ी सारे चेंजेस किए हुए हैं, लॉट ऑफ चेंजेस वी हैव डन इन दैट, बट इट इज़ अ वंडरफुल लव स्टोरी एंड वी ऑल लव्ड इट. आई मीन, हुआ ये था कि जब मैंने गिरीश जी से सुनी, उसके बाद हम लोग प्रोड्यूसर के पास गए थे. प्रोड्यूसर्स ने ऑब्वियसली सुनने के बाद डिसाइड किया कि दिस would be their first film, and it was amazing that we were all on the same page. And then I definitely got in touch with Randeep because he was the first and the last choice, and I was very fortunate that he said yes to it. So it was a very, very good moment for me because that was like the first triumph, and then the whole journey for getting the girl. Well, film ki kahani chahe Korean film se li gayi ho, lekin film star to hamare apne B town ke hain. देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कब देगी दस्तक और दर्शकों को कितनी पसंद आएगी. वेल, बॉलीवुड खबरों में इतना ही. देश और दुनिया की ताज़ातरीन खबरों के लिए बी विद मेट्रो टीवी. टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.